असाइनमेंट का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इफ ऑल द लैटिस पॉइंट्स ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर आर ऑक्यूपाइड बाय यूनिफॉर्म हार्ड स्फीयर्स दैट टच द अदर द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. तो हमें पहले से पता है कि एफसीसी का वॉल्यूम कितना होता है, 74% होता है, ठीक है. और इसका जो रेशियो निकलता है, हमने पहले स्कूल लेवल पे पढ़ा है इसको या फिर कॉलेज में भी पढ़ा है बीएससी लेवल पे, ये वो ऐसा होता है 0.74 समथिंग आता है उसका फ्रैक्शन, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके 74% निकालते हैं. तो आप बस इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि किसका आंसर 74% के करीब आएगा. आप इसको सॉल्व करके देखिए, पाई का वैल्यू 3.14 है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है, रूट टू का 1.414.6. आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका 73.9 समथिंग ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है. ये 74% है तो ये इसका आंसर है. आप इसको नॉर्मली एफसीसी बना के भी देख सकते हैं कि आप पूरा एफसीसी बनाएं. एफसीसी मतलब क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कॉर्नर्स पे होगा क्रिस्टल, कॉर्नर पे होगा, फेस पे होगा, फिर यहाँ कॉर्नर पे होगा, फिर आप क्या करेंगे, पूरा इसका रेडियस निकालेंगे, पूरा वॉल्यूम निकालेंगे यूनिट सेल का, उसमें टाइम वेस्ट होगा. इससे अच्छा आप सीधे जो आपको पता है उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लें. थैंक यू.